अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाउ आर यू ऑल, कैसे आप सब लोग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एक फोल्डर को किस तरह से हाइड कर सकते हैं विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक फ़ोल्डर है मेरे साथ न्यू फोल्डर के नाम पर, इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद आपने नीचे हाइडन इस चेक को टिक मार करना है, अप्लाई देन ओके। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा फोल्डर यहाँ से हाइड हो चुका है। अब एक दूसरी फाइल या फोल्डर को मैं हाइड करना चाहता हूँ। राइट क्लिक प्रॉपर्टी देन टिक द हाइड अप्लाई ओके। तो ये देखिए, ये भी हाइड हो चुका है। अब इसको किस तरह वापस लाना है, तो इसको वापस अनहाइड करते हैं। तो कंट्रोल पैनल पे जाइए, फोल्डर एंड ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, देन क्लिक व्यू, और यहाँ पर नीचे आकर शो हाइडन फाइल्स फोल्डर एंड ड्राइव्स, इसको टिक मार करना है, अप्लाई एंड देन ओके। तो ये देखिए, हमारी दोनों फोल्डर वापस आ चुके हैं, लेकिन इसका लाइट थोड़ा लाइट कलर में दिखाई दे रहा है। तो ये अभी भी अनहाइड है, इसको हम फिर से अनहाइड कर सकते हैं। तो राइट क्लिक प्रॉपर्टी और इस चेक को ऑफ करना है, अप्लाई ओके। तो ये देखिए, अपने वापस हालत में आ चुका है। इसको भी हम अनहाइड करते हैं ओके।